श्रीकांत त्यागी को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज। अभी जेल में रहेगा गालीबाज नेता। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी श्रीकांत त्यागी को जेल में ही रातें गुजारनी पड़ेंगी। जानकारी के मुताबिक नोएडा की ओमेक सोसाइटी वाली घटना आपको याद ही होगी, उसी से श्रीकांत त्यागी का नाम उछला था। अब खबर है सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 3 नए और 6 पुराने केस की जानकारी कोर्ट को दी। इस दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में पेश की। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, जिसके चलते कोर्ट ने बेल नहीं दी। पुलिस ने 3 नए और 6 पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी। वहीं त्यागी के साथ पकड़े गए 6 लोगों को जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में श्रीकांत त्यागी केस में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। तो वहीं इससे पहले भी बीते हफ्ते उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई थी, तब उन्हें कोर्ट ने 3 मामलों में जमानत दे दी थी। बीते दिनों हुई सुनवाई के बाद उन्हें आईपीसी की धाराओं 354 और 420 और गाली गलौज के मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन त्यागी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। दर्ज किए गए 4 मामलों में से 3 में ही उन्हें जमानत मिली थी। और ग्रैंड ओमेक सोसाइटी केस के बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिला, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने उनको गेट पर ही रोक लिया और कुछ ही लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी। वहीं सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिसके बाद श्रीकांत त्यागी के परिवार से लोग मिले तो सही, लेकिन इससे नाराज होकर नोएडा महानगर उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र कुमार ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे महिलाओं के साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और बदतमीजी मुझे या मेरे किसी भी सहयोगी को बर्दाश्त नहीं है। बहरहाल अब देखना है कि पहला श्रीकांत त्यागी कब जेल से छूटते हैं और दूसरा सपा की राजनीति कहां तक जाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।